मैं आप लोगों को बताऊं कि शाहीन माशाल्लाह काफी बेहतर है। बिल्कुल उनको चोट लगी थी मैच के दौरान, लेकिन बेहतर है, काफी बेहतर है। अभी मैं उससे मिलके आया हूँ और वो बड़ा अच्छा फील कर रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी दोबारा स्क्रीन पे आएगा लोगों के सामने। ठीक है। अच्छा रियाज, एक जो कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि शाहीन को जो है वो ज़्यादा लंबे आराम की ज़रूरत है और उनको 2-3 महीने उनको रेस्ट करना चाहिए। लाला शाहिद आफरीदी ने भी ये बात की है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने जो उनका रिहैब दिया है वो 3 महीने से कम का रिहैब दिया है। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि वो PSL मिस कर जाएंगे, लेकिन उनके फैन बशबूल हम सब के, हम सब ये दुआगो हैं, हम सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में हमें शाहीन शाह आफरीदी उसी तरह से खेलते हुए और कैप्टेंसी करते हुए नजर आए। तो PSL के हवाले से शाहीन शाह आफरीदी की क्या खबरें? देखिए अली भाई, हर कोई चाहता है कि शाहीन के लिए हर फॉर्मेट क्रिकेट खेले, तो हमारी भी यही ख्वाहिश है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और इंशाल्लाह उम्मीद यही होगी कि वो ठीक हो जाए। लेकिन बात यह कि अली भाई देखिए, पाकिस्तान के लिए वो हर टाइम हाजिर होते हैं और कैरियर उसका लंबा है। अगर हम उनकी कैरियर खत्म करना चाहेंगे तो वो अगर कोई भी क्रिकेट खेल सकता है अभी भी, लेकिन नहीं, पहले कैरियर फिर पाकिस्तान के लिए वो फाइट करे और PSL के लिए इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है हम सब कि वो जल्दी रिकवर हो जाएगा और इंशाल्लाह वो खेलेगा।